नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। झारखंड में गिरिडीह बगोदर प्रखंड में आज सू का 32वां स्थापना दिवस सह संकल्प सभा का आयोजन जिला सचिव सह जिला परिषद सदस्य अनूप कुमार पांडे की अध्यक्षता में मनाया गया। सभा को संबोधित करते हुए अनूप पांडे ने कहा कि यह कार्यक्रम झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ मनाई जा रही है। आने वाले 2019 के चुनाव में आज सू की सरकार बनाने की रणनीति तैयार की गई और संकल्प लिया, झारखंड को भगवा मुक्त झारखंड बनाएंगे। सभा के पूर्व रैली निकाली गई और बगोदर क्षेत्र में आजसू का नारा लगाकर लोगों को जागरूक किया और झारखंड सरकार को कोसा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला नेत्री आरती देवी, जिला सचिव अनूप पांडे, अशोक कुमार वर्मा, किसान संघ के जिला अध्यक्ष डिंपल कुमार का योगदान सराहनीय रहा। झावीमो सुप्रीमो सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एकता भाईचारा का प्रतीक है। जहां एक ओर मुसलमान नमाज अदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग भजन कीर्तन करते हैं। प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं इस एकता को तोड़ने पर बढ़ावा दे रही है। सत्ता के लोग समस्या को ना सुलझा कर जात पात के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। ये अपनी गंदी राजनीति से अगर राज्य की अमन चैन छीनने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए हमारी पार्टी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। वे शुक्रवार को झारखंड के खोरीमहुआ स्थित आयोजित राष्ट्रीय एकता सह ईद मिलन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। कहा कि आजादी के 70 वर्षों में 30 लाख एकड़ से अधिक जमीन सरकार ने विकास के नाम पर ले लिया तथा उस जमीन पर बड़े बड़े कल कारखाने खदान खुले हुए हैं, जिससे हजारों गांव समाप्त हो गया है। साथ ही उनका अस्तित्व नहीं रह गया है, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्षों से अधिक समय हो गया, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय पंचायत का बोलबाला है। पुराने समय से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत जातीय पंचायत किसी भी परिवार के ऊपर सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा ही मामला भिलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड क्षेत्र के भगवानपुरा ग्राम पंचायत के बालानगर ग्राम में सामने आया है, जहां पर ब्राह्मण समाज के 28 वर्षीय युवक महावीर शर्मा ने अपने ही समाज की लड़की संपत्ति शर्मा से 2012 में प्रेम विवाह किया तो जाति पंचायतों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और जाति पंचायत ने पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत करवा दिया एवं करीब 6 वर्षों से लाखों रुपए पीड़ित परिवार से हर्जाना भी वसूल लिया। फिर भी आए दिन जाति पंचायतों की प्रताड़ना से परिवार पर कहर बरपा रहे हैं। इस पीड़ित परिवार ने प्रशासनिक अधिकारी सहित जन प्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में जी रहा है। यह मामला यहां पर नहीं खत्म हुआ और पीड़ित परिवार पर एक वर्ष पूर्व 15,01,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि पीड़ित परिवार ने ब्राह्मण समाज के पंच पटेलों को सौंप दी। फिर भी आए दिन समाज में शामिल करने की एवज में लाखों रुपए वसूले जा चुके हैं। पीड़ित परिवार को ग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी रोका जा रहा है। इन सभी प्रताड़नाओं से प्रताड़ित युवक महावीर शर्मा ने मांडल थाने के थानाधिकारी दिनेश चंद्र कुमावत के सामने गुहार लगाई एवं आरोपियों के खिलाफ परिवाद पेश किया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यह हमारे देश की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करती है। झारखंड बालूमाथ थाना के बालूमाथ टंडवा रोड में बेसिक स्कूल के ठीक सामने पानी का जमा हो जाने से राहगीरों से लेकर स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी की निकासी की जगह को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल और BRC भवन है, जिसमें पूरे गेट के अंदर पानी का जल जमाव तालाब के जैसा हो गया है। वहीं रोड के दोनों तरफ नाली नहीं होने के कारण पानी के निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस और खनन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने दुर्गावती थाने का घेराव किया। 200 की संख्या में थाने पर धरना दे रहे हैं। मामला था कि मोहनिया में ओवरलोड ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों युवक दुर्गावती के रहने वाले थे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने थाने पर धरना दिया। साथ में राजद के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, DM और SP को बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि NH2 पर पुलिस बालू माफियाओं से मिलकर ओवरलोड ट्रक पार कराती है, जिसमें खनन विभाग भी शामिल है। एक तरफ ओवरलोड ट्रक पार करने के लिए पैसे का लेन देन करती है तो दूसरी तरफ दिखावे के लिए खनन विभाग ट्रक को पकड़ने के लिए अभियान चलाती है। दोबारा पैसे ना देना पड़े इसके लिए ओवरलोड ट्रक तेज रफ्तार से पार होती है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती है। 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। DM और SP आए, जो खनन विभाग का अधिकारी कल गाड़ी को जो दौड़ा रहा था और जिसके चलते कल 2 निर्दोषों की हत्या हुई है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो और उसको गिरफ्तार किया जाए।
और ये जो बालू माफिया लोग और ये जो सरकार बालू वालों से पैसा लेकर ओवरलोडिंग कराकर बालू को ट्रकों को भेजती है जीटी रोड पे, और फिर उसी प्रशासन को लगाकर पैसे वसूलने के लिए ये जो पैसे का खेल चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है, इसको बंद किया जाए। गारी मोहनिया थाना के सामने एक लेन में दोनों साइड ट्रक खड़ा करके रखा है लोग पहले से, एक गाड़ी आने जाने का रास्ता है और उसमें वो खड़ा होकर ठीक थाने के सामने गाड़ी चेक कर रहा था। तो हम लोग डीएम और एसपी को इसलिए बुला रहे हैं यहाँ आवे, और ये डीएम उस खनन पदाधिकारी पर एफआईआर करे, आवेदन हम दे रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के आईटीबीपी कैंप के समीप तेज रफ्तार से आ रही सफारी गाड़ी को रोकने के प्रयास करने पर पुलिस को झांसा देकर भागने के दौरान हुई दुर्घटना में घायल तीन लोगों के पूछताछ में कटिहार पुलिस ने सोना तस्करी कर ले जा रहे तस्कर को पुलिस 29 पीस सोने के बिस्किट के साथ वजन 4 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ आंकी जा रही है। घायल तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें दो को बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी क्रम में लगभग 6:30 बजे एक सफारी गाड़ी अचानक पुलिस बल को देख के भागने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। उनकी जांच की गई तो उसमें फुटरेस्ट के पास ड्राइवर के सीट के पीछे और एक अन्य जगह पर फुटरेस्ट के नीचे 29 सोना का बिस्किट, जो वजन में लगभग 4.8 kg है, बरामद हुआ है। इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, और इस दुर्घटना में तीनों व्यक्ति जख्मी हुए थे, जिनमें एक सनी कुमार की स्थिति ठीक है, प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अनुमानित कीमत क्या होगी सर? अनुमानित कीमत जांच कराने के उपरांत लगभग 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। कैमूर में मानवता फिर हुआ शर्मसार, कलयुगी चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी चाचा गिरफ्तार। चांद के कौवा टोह गांव का मामला, बताया जाता है कि बच्ची अपने घर के आंगन में सोई थी कि चाचा ने उसे उठाकर दूसरे जगह ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। सुबह पीड़ित बच्ची ने अपने घर वालों को सारी बातें बताई तो घर वालों ने भभुआ महिला थाने में मामला दर्ज कराया, फिर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। ये मामला चांद थाना अंतर्गत का कौवाठोड़ एक गाँव है, वहाँ का मामला है। नाबालिग बच्ची के साथ उसी के फैमिली का है चाचा, उसी के द्वारा बलात्कार किया गया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है और अभी उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। हमारे लड़की को अंगना में से खींच कर बलात्कार किया है 20 तारीख को 4 बजे भोर में। क्या लगेगा? वो मामा का लड़का है, भाई लगेगा। तो आप लोग थाने में आवेदन दिए हैं? जी सर। और कुछ बोल के रहते हो के? अच्छा, और मारे पीटे मरले पीटले भी रहे? और कुछ बोलते रहा? पकड़ के ले गए ना तो के? चास थाना क्षेत्र के मेन रोड जोधा डी मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 2,88,000 रुपए निकालकर बाइक की डिग्गी में रखकर पास ही के दुकान में जाकर ठंडा पीने के दौरान दो युवक डिग्गी से पैसा निकालकर रफू चक्कर हो गए, जब तक पीड़ित हल्ला करता दोनों युवक पैसा लेकर भागने में सफल रहे। मौके पर पहुंचे चास एसडीपीओ महेश कुमार सिंह ने पीड़ित से पूछताछ की और साथ ही आसपास के दुकानदारों से भी घटना के बाबत जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि सोनी महिला समिति का पैसा 2,88,000 रुपए बैंक ऑफ इंडिया से समिति की अध्यक्षा सहबानो बीबी के द्वारा निकाला गया था। यह पैसा 24 शौचालय निर्माण के लिए निकाला गया था। ठंडा मांगे दिया और हम इधर जैसे ताकि तब तक वहाँ से एक आदमी मेरा झोला जो झोला था निकाल के भागा, तब हम उसके पीछे भी भागे गाड़ी तक, तब तक वो लोग निकल गए उधर। तब हम गाड़ी घुमाए और इधर उधर देखे कहीं नहीं नजर आया, तो फिर मेरा बीवी वहीं आ रही थी पैदल,
और काटी, उसको जाके तुरंत बताएंगे। कितना पैसा था बैग में? 2,88,000। कौन बैंक से निकाले थे? बैंक ऑफ इंडिया से। कहाँ निकाला था पैसा? महिला समिति, सोनी महिला समिति का शौचालय बनाने का जो है ना, एक सोनी महिला समिति है कुंडरू की, 2,88,000 रुपया उस महिला समिति के सचिव ने निकाला। महिला समिति का एक अध्यक्ष शारवानो बीवी है, इसका पति आया हुआ था। उस महिला से उसके पति ने रुपया लेकर के डिक्की लिया और वो चला आया इधर पेट्रोल पंप पेट्रोल लेने के लिए, उसके बाद इस दुकान पर आया ठंडा लेने के लिए। और उसके कहने के मुताबिक यहीं से जहाँ पर हम घटनास्थल पर खड़े हैं, यहाँ से उसका डिक्की खोल करके पैसा ले। बिहार पुलिस अवैध वसूली करते पहुंची यूपी सीमा में। यूपी के सैयदराजा थाने के पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। पास में मिले 1,800 रुपए नगद, एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी हुए फरार। कैमूर के दुर्गावती NH2 से अवैध वसूली करते घुसे यूपी सीमा में 3 घंटे तक पूछताछ के बाद छोड़ा यूपी पुलिस। रोज अवैध वसूली का खेल रहता है जारी। पैसे उगाही करने घुसे थे यूपी सीमा में। वही यूपी के सैयदराजा थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिली थी कि बिहार के पुलिस जिप्सी लेकर यूपी सीमा में घुस गए हैं, जो ओवरलोड ट्रकों से पैसा वसूली कर रहे हैं। वहां पहुंचने पर कुछ वर्दी में पुलिस वहां से फरार हो गए, पर दुर्गावती थाने के चालक फैयाज खान पकड़ा गया, जिसे पूछताछ कर छोड़ा गया। नवद क्षेत्र में मामूर थे, तो कुछ लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बिहार की पुलिस यूपी सीमा में आकर के गाड़ियों की चेकिंग कर रही है जो बिहार की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग मौके पर गए तो जो करमनासा पुल है वहाँ पे बॉर्डर अपने यूपी बॉर्डर में एक बिहार की जिप्सी खड़ी थी। वहाँ कुछ वर्दी वाले भी थे, कुछ सादे में लोग थे। जब हम लोगों ने देखे तो वर्दी वाले अपना बिहार की सीमा की तरफ चले गए। मौके पर एक सादे में व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसे पूछताछ से उसने अपना नाम प्रवेश खान बताया। वो बताया कि संविदा पे दुर्गावती में वो एज ए चालक के पद पे तैनात है। तो जिससे विस्तृत पूछताछ की गई तो वो बता रहा था, साहब मैं अभी एक नया चालक यहाँ नियुक्त हुआ हूँ संविदा पे, मुझे सीमा का ज्ञान नहीं था कि यूपी की सीमा और बिहार की सीमा कहाँ पर है। और दरोगा जी चूँकि लेकर चले आए थे, तो यहाँ आकर के हम वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चूँकि सूचना अवैध वसूली की भी मिली थी तो उससे काफ़ी पूछताछ की गई है। जो वाहन वगैरह वहाँ खड़े थे आ जा रहे थे, उनसे भी इसके बारे में जानकारी की गई। जिले के डेहरी इलाके में एक मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, साथ ही क्लिनिक पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजन डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक पतपुरा के रहने वाले 45 साल के आस नारायण सिंह को पाली रोड स्थित डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के क्लिनिक में ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया था, जिसका खर्च 75,000 बताया गया। परिजनों से 30,000 रुपए जमा भी करा लिए गए। ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की स्थिति खराब होने पर पेशेंट को बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस पहुँचने पर एम्बुलेंस में ही मरीज मृत पाया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की मृत्यु हो गई थी, बाकी की रकम लेने के लिए डॉक्टर ने परिजनों को भ्रम में रखा और मरीज को बनारस रेफर कर दिया। उनका कहना है कि पेशेंट की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, इसलिए परिजन डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा 75,000 रुपया आएगा। हम बोले कि ठीक है सर, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कुछ कम कीजिए। बोले नहीं, इससे कम नहीं आएगा, थोड़ा महंगा होता है ऑपरेशन ये। तो सारा चीज़ हमने सोचा कि ठीक है, फिर हमने पूछा कि सर सक्सेस हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हाँ सक्सेस हो जाएगा, बाकी आप अपना पैसा का इंतजाम कर लीजिए। पैसा हम इंतजाम किए, फिर मंगलवार को वो ऑपरेशन का डेट रखे, लेकिन मंगलवार को नहीं करके बुधवार को किए। 1 बजे ले गए हैं ऑपरेशन रूम में, 7:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं निकाला वो लोग। हाँ तो पता ना, वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं। जब वो लोग निकाला तो पूरा मुंह ढका हुआ था, बैंडेज किया हुआ था। मतलब मौत हो चुकी थी पेशेंट की? हाँ मौत हो चुकी थी। आप क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम लोग सर इस बारे में न्याय चाहते हैं, प्रशासन से न्याय चाहते हैं। इस तरह की लापरवाही हो रही है, डॉक्टर की सारी गलती की लापरवाही। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह नाम के डॉक्टर हैं, जो ऑर्थो सर्जन कहे जाते हैं।
पता नहीं क्या मामला है, नहीं मामला है, ऑर्थो हैं या सर्जन। एक मरीज दो तीन दिन पहले उनके यहाँ भर्ती हुआ था, जिसका आरोप ये लगा है कि इनके ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पैसा लेने की नीयत से इन्होंने उसको एम्बुलेंस में लाद करके बनारस भेज दिया, जबकि वो पहले ही से डेड हो चुका था। इसी को लेकर के लोगों में आक्रोश थी और उस संबंध में उन्होंने एक लिखित प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर FIR की। कांग्रेस और चंबल बचाओ समिति ने चंबल नदी में बढ़ रही गंदगी को लेकर आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। समिति संयोजक राकेश शर्मा के नेतृत्व में नयापुरा पुलिया से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च के साथ सीएम के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। साथ ही चंबल संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शीघ्र कार्रवाई नहीं किए जाने की सूरत में प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान महिला कांग्रेस महासचिव शकीला बानो, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सहनाज शेख, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोबीना खान समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।